जी भैया, आपने कभी कोई ऐसे शहर देखा होगा और ऐसे लोग यहाँ पर देखे होंगे? ये डस्टबिन है ये, और कचरा जो है ना सब यहाँ, किसी के अंदर इतनी तौफीक नहीं होती है। और हम चाहे पाकिस्तानी हो चाहे बांग्लादेशी हो, हम लोगों की जो नस्ल जो है ना वो एक ही है। ये देखें भैया, मैं आपको और भी थोड़ा सा कचरा दिखाता हूँ। ये सारे जो होटल हैं ना, इसमें सब पे बंगाली है, यहाँ पर मोस्टली बंगाली रहते हैं। ये देखें, एक सिविक सेंस होती है, वो सिविक सेंस नहीं है अनफॉर्चुनेटली। बराबर में कचरा का डब्बा होगा लेकिन हम फेंकेंगे जमीन पे। मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, हमने अपना सामान देखें कितना अच्छा पैक किया। हम जा रहे हैं वापस बांग्लादेश, हमने ये सारा सामान जो है ना पैक कर लिया है। ये देखें, हमने बहुत अच्छे तरीके से पैक किया है, लेकिन हम ये देखें कचरे के ढेर। ये दुकानदार हैं, इन्होंने पीछे इसका गार्बेज किया है बिल्कुल, उसने यहीं पर डाल दिया है। अब एक बंदा जो है 500-600-700 रियाल महीने के ऊपर, और बाकी रहेगी बख्शिश। इसके ऊपर वो सारा दिन वो इस इलाके को साफ करता रहेगा। अगर लोगों में प्रॉपर सिविक सेंस हो तो ही कैन बी यूज फॉर सम बेटर जॉब। ये देखें, पता नहीं हम लोग कब बड़े होंगे और हमारे ईमान का निस्फ हिस्सा है। ये देखें, ये आटा। मैं यहाँ से अभी हरम से नमाज पढ़ के जब आता हूँ तो मैं देखता हूँ तो अफसोस होता है। मैं अफसोस कर सकता हूँ, आप भी अफसोस करें, सब मिल के अफसोस करते हैं। ये देखें, ये आराम से इसको ना वहाँ पर फेंका जा सकता था इस डब्बे के अंदर। ये देखें खाना, ये रोटी की बेहरमती। ये देखें अल्लाह अकबर। चलें भैया, मेरा कैनेडियन रोड ट्रैकर के नाम से एक चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें और मैं इस तरह की वीडियोज़ जो हैं आपको दिखाता रहूँगा। अगले महीने से मैं मक्का में हूँगा तो मक्का की भी